अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी गलत फहमी है तो प्लीज उसे निकाल दो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस वैसे कुछ तो है। आजकल बहुत खुश रहने लगी हूँ। खुश तो रहना चाहिए। हाँ भाई, खुश तो रहना चाहिए, लेकिन पहले तो हर वक्त तुम चिड़चिड़ी रहती थी, हर बात पे नसीहत करना, रोकना टोकना, है ना? मैं खुद तुमसे बात करना चाह रही थी। अब दोबारा कोई नसीहत करने नहीं लग जाना। नसीहत नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाहती हूँ। क्या समझाना चाहती है? देखो है ना, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी गलत फहमी है तो प्लीज उसे निकाल दो। कोई गलत फहमी नहीं, जो है सबके सामने, जिसे मैं पसंद करती थी। ना बस करो, तुमसे क्या बात कर रही हूँ और तुम हो के? जानती हूँ क्या बात करना चाहती हूँ, मुझसे चंद साल बड़ी हो, हर बात पे दोस्त जमाती रहती हूँ। मैं दोस्त नहीं जमाती, हमेशा पॉजिटिव बात करती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स ही आता है। मैं तो हूँ ही नेगेटिव, तुम ही हो पॉजिटिव, नेक परवीन, है ना? तुमसे बात करना बेकार। तो क्यों करती हो? बड़ी बहन होने की हैसियत से, और इस हैसियत से तुम अपनी बड़ाई जताती हो, वरना कम तो तुम भी नहीं हो मुझसे। इसी मामले में तो तुम गलत फहमी का शिकार हो। लेकिन मुझे यकीन है, मुझे कोई गलत फहमी नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, कोई रेस लगा रहे हैं? कैसा मुकाबला है ना, तुम बहन हो मेरी। तो फिर क्यों आती हो मेरे रास्ते में? मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आई, ये महज एक इत्तेफाक है कि हमारी राहें टकरा जाती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बना बनाया खेल है। अब तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। लेकिन तुम तो अपनी हदें पार कर चुकी हो। लेकिन मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ, मैं भी देखती हूँ हम दोनों में से किसकी जीत होती है। तो मैं हराना भी नहीं चाहती है ना? और मैं अगर हार भी जाऊँ तो तुम्हें जीतने नहीं दूंगी।